अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्यू स्नूकर। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करने लगे हैं लेजर की। लेजर कहाँ पे काम आएगी, क्योंकि हमने यहाँ तक सीख लिया था कि हमने पॉटिंग और लॉन्ग पॉट और स्ट्रेट पॉट हमने कैसे करने। हमने जूनियर लेवल से स्टार्ट किया था जो कि इंटरमीडिएट लेवल है, और इसके ऊपर डिफरेंट हमने क्यूइंग भी कर ली, वेट बैलेंस भी ठीक कर लिया, एमिंग भी ठीक कर ली, और हमने अब बॉल रख के पॉटिंग भी कर ली वन बाय वन, और बॉल हम डालते गए। अब हमारे पास बॉल आ गया मुश्किल लेवल पे जो कि है लॉन्ग पॉट्स, और अब हमने डिस्टेंस बढ़ाते जाना रेड का। अब जब तक ये बॉल सीधा नहीं होगा इस लाइन ऑफ एम के साथ, तो पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों बॉल स्ट्रेट लग सकें अगर हमारी क्यूइंग स्ट्रेट होगी तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर लेज़र हमारे काम आएगी। इसलिए मैं हर पैकेट के साथ एक लेज़र भेज रहा हूँ कि वो हम सेंटर में इसको सेट करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये इस लाइन ऑफ एम के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, और फिर जो है आप देख रहे होंगे वीडियो में कि आपको वो एग्जैक्टली रेड बॉल के सेंटर से क्रॉस करेगी, और इसका मतलब है कि पॉकेट तक सीधी जा रही है। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने लेजर को पॉकेट तक सेट कर लेना है, फिर आपने रेड को अलाइन कर लेना है लेजर के सेंटर में। जब लेजर से सेंटर में कर दी, फिर आपने अपने वाइट बॉल को इसके सेंटर में एग्जैक्टली रख देना है। मैं लाइट्स कम करके वीडियो दिखाता हूँ ताकि लेजर आपको ज्यादा नजर आए। तो एग्जैक्टली सेंटर इस वाइट बॉल का क्रॉस कर रहा होगा ये लेजर लाइट, गाइड लाइट। आपने इसके अंदर नहीं देखना, अगेन डोंट लुक इन टू दिस वन, इसके आंखों इसको अंदर नहीं देखना आपने डायरेक्टली, बट ये है कि इसके इमेज को आप देख सकते हैं। जब आपने देख लेना है, फिर आपने इसको हटा देना है और इसको बेशक बंद कर दें, और फिर आपने जो है यहां से शॉट खेलनी है और देखना है कि क्या आपने जो सीखा था वो एग्जैक्ट क्यू सीधा चला है कि नहीं। जब आप इसके ऊपर 20-25 शॉट्स खेल लेंगे, तो आपने ऑटोमेटिकली फिर इसका डिस्टेंस रेड का बढ़ा देना है, ठीक है। अगेन उसी लेजर लाइन के ऊपर दोबारा से आपने इसको लेजर के साथ उसी के ऊपर सेट कर देना है, क्योंकि ये शॉट्स कम से कम आप 20-20, 50-50 खेल रहे होंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 40-50-60 शॉट्स के बाद जो है डिस्टेंस बढ़ाएं। एक दो शॉट्स जाना कोई मायने नहीं रखता स्नूकर में, मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियसली वीडियोज में। अगर इसकी आपने पहली बेसिक वीडियोज नहीं देखी तो पहले वो देखें फिर इस पर आए, क्योंकि ये एडवांस वीडियो है। अब हम लेजर तक पहुँच गए हैं। सो आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से लेजर रखनी है, डिस्टेंस बढ़ाना है, और फिर आपने वही तरीके से पॉट करना है, और फिर आपने शॉट खेलनी है। जब 20-50 शॉट पूरे हो जाएंगे, फिर मजीद अगेन उसी लेजर के ऊपर आपने डिस्टेंस दोबारा बढ़ाना है, सेंटर ऑफ द रेड बॉल आपने क्रॉस करना है, सेंटर ऑफ द वाइट बॉल क्रॉस करेगा, और फिर आपने पॉट करना है, और एटलीस्ट 50-60-100 पॉट्स आप कर लें। यकीन करें उसके बाद जब आप हटा के खेलेंगे ना, आपकी एक मसल मेमोरी बन चुकी होगी और आपका एक विजन बन चुका होगा ऑब्जेक्ट बॉल के ऊपर के कहाँ हिट कर रहे थे और क्यूइंग कैसे स्टेडी थी जो आपकी शॉट एग्जैक्ट सेंटर में लग रही थी। और आप यकीन करें कि दिनों में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये ऐसी रेवोल्यूशनाइज टेक्निक है जिसको हम सारी जिंदगी कहते रहे कि यार इसको सेंटर में हिट करें, यार लाइन ऑफ एम होती है उससे कनेक्ट करें। मेरी बेशुमार वीडियोज पड़ी हैं, हर कोच की पड़ी हुई हैं कि इमेजिन करें लाइन ऑफ एम, ये एक प्री डिटर्मिंड लाइन ऑफ एम दे दी है मैंने आपको। तो इससे अच्छा टूल अभी तक नहीं आया दुनिया में, और ये देखिएगा कितनी तेजी से लोगों को चेंज कर देगी। सब देख रहे हैं पूरी दुनिया में, मुझे रब्ते हो रहे हैं साउथ अफ्रीका से, कोरिया से, बहुत कंट्रीज से मुझे लोगों ने रब्ता किया, नेपाल से। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसको अपने लिए परचेज करें और इससे बेनिफिट उठाएं। अभी लिमिटेड स्टॉक में है, डिपेंड करता है कि कितना इसका रिस्पॉन्स तेजी से हमें आता है और हम कितने ज्यादा लोगों को इसको सेल कर सकते हैं। इसीलिए मैं लेजर आपको साथ भेज रहा हूँ, और ये आपको फायदा देगी जब आपको रिसीव होगा। ये हमने स्पेशली बाहर से मंगवाई है, पाकिस्तान में ऑफ कोर्स आपको पता है ये नहीं बनती, तो काफ़ी अच्छी ये आपकी हेल्पफुल गैजेट है। सो अगर जो आप गेम के बारे में सीरियस हैं, एमिंग को करेक्ट करना है, स्टांस को करेक्ट करना है, वेट बैलेंस को करेक्ट करना है, क्यूइंग को करना है, पॉटिंग सीखनी है, लॉन्ग पॉट सीखना है, और फिर आपने जो है ना उसके में आपका यही गैजेट काम आएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, वो आएगी पॉटिंग एंगल्स के ऊपर, और उसमें हम लेजर को कैसे यूज करेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि व्हाट अ गैजेट दिस इज। इतना मुश्किल है इसके साथ आपको अलाइन करके खेलना और अपने आप को शॉर्ट करना, और लेकिन इतनी आसानी से आपको रिकग्निशन मिल जाएगी पॉटिंग एंगल्स की कि आप बॉल रखते जाएंगे और डालते जाएंगे बॉल पॉट होगा, रखते जाएंगे बॉल डालते जाएंगे, आईज आपकी ऑब्जेक्ट बॉल पे होंगी और आप फिनिश करेंगे। मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा चीजें बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर इंटरेस्टेड, फौरन से पहले व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, और इस वीडियो को आप 3-4 लोग मिलके भी इसको ले सकते हैं। एक क्लब भी परचेज कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि आप क्लब एक परचेज कर लेना, क्यूइंग एक्सपर्ट एक क्लब परचेज कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उनको दे के जाओ यार इस पर प्रैक्टिस करो। हर कोई उस्ताद तो बना होता है ना क्लब में,
बहुत से होते हैं उस्ताद जी, तो उस्ताद जी को चाहिए कि ये उनमें इन्वेस्ट करें, लड़कों से कुछ पैसे लेके ये एक चीज़ मंगवाएं और उनको गाइडेंस दें ताकि वो रियली हेल्प करें, और फिर आपको दुआएं भी देंगे और यकीन करें कि आप लोगों की रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने दिनों में उसको ठीक कर दिया होगा। ये जब आप इसके ऊपर कर लेंगे फिर आपने साइड भी चेंज करनी है, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। सो हर लेवल के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लेयर जो 60-70-80 खेल रहा है ना, वो भी लॉन्ग कोर्स में वीक है, ये गैजेट आपको ठीक कराएगी। सो दुआ में याद रखें, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप मैसेज भेजें, बाय करना है व्हाट्सएप मैसेज भेजें, और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ये आखिरी वीडियो पे इस पर नहीं अटैक कर रहना, आपने कहाँ से शुरू हुई है, वीडियो 1 देखें, वीडियो 2, वीडियो 3, और इसका हम मास्टर कोर्स भी बनाएंगे जो कि सीक्वेंस से हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा। हमारी वेबसाइट भी अपग्रेड हो गई है, प्लीज विजिट आवर www.akisnooker.com। तो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।